आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम किसी चीज में फेल होते हैं या कुछ कर नहीं पाते तो हम सीधे बोलते हैं आई कांट डू इट, मुझसे यह नहीं होता, मैं यह नहीं कर सकती। इस टाइप का सोचना एक फिक्स्ड माइंडसेट को दिखाता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि एबिलिटीज और इंटेलिजेंस फिक्स्ड हैं और वो चेंज नहीं किए जा सकते। पर अब सोचिए अगर आप इस सेंटेंस को थोड़ा चेंज करके बोलें तो आई कांट डू इट येट। यह येट का मैजिक क्या है? साइकोलॉजिस्ट कैरोल ड्वेक अपनी बुक माइंडसेट में कहते हैं कि येट एक बहुत ही पावरफुल वर्ड है जो आपके माइंड को पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन करता है। ये एक ग्रोथ माइंडसेट को बिल्ड करने में आपकी हेल्प करता है। एंड ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह बिलीव करते हैं कि उनकी एबिलिटीज, उनके स्किल सेट्स टाइम और हार्डवर्क से इम्प्रूव हो सकते हैं। ड्वेक के रिसर्च के हिसाब से येट बोलने से हम अपने फेलियर्स को टेम्परेरी ऑब्स्टेकल्स की तरह देखना शुरू करने लगते हैं, ना कि उन फेलियर्स को फाइनल डिफीट समझते हैं। ड्वेक अपनी बुक में एक स्कूल का एग्जाम्पल देती हैं जहाँ अगर स्टूडेंट्स एग्जाम में पास नहीं करते तो उनके रिपोर्ट कार्ड में फेल लिखने की बजाय नॉट येट लिखा जाता है। इसका मतलब है कि वो अभी तक पास नहीं हुए हैं लेकिन उनके पास इम्प्रूव करने का चांस है। इस अप्रोच का इम्पैक्ट यह होता है कि स्टूडेंट्स को अपने आप में उम्मीद और प्रोग्रेस का एहसास होता है। वो यह सोचने लगते हैं कि वो अभी भी आगे बढ़ सकते हैं और अपनी मेहनत से पास कर सकते हैं। ड्वेक कहती हैं कि इस नॉट येट अप्रोच से स्टूडेंट का परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस दोनों ही इम्प्रूव हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वो फेलियर से सिर्फ एक स्टेप दूर हैं और ग्रोथ हमेशा पॉसिबल है। एक एग्जाम्पल सोचिए, एक स्टूडेंट है जो मैथ्स की एक टफ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है। अगर वह बोले कि मुझसे यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, मीन्स उसने उस प्रॉब्लम पर गिव अप कर दिया है। पर अगर वही स्टूडेंट टीचर के कहने पर यह बोले कि आई कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम येट, मीन्स मैं यह प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं कर पा रहा, पर इस पर लगा रहूंगा तो आगे जरूर सॉल्व कर दूंगा, यह उसके माइंडसेट के बारे में क्या दिखाता है? कि उसने गिव अप नहीं किया है। वह प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मोटिवेशन और पेशेंस दोनों रखता है, क्योंकि उसके लिए अपने मैथ्स के स्किल सेट में इंप्रूवमेंट का स्कोप अभी भी है। सिर्फ एक वर्ड येट से उसका माइंडसेट एक लूजर से विनर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एक टीचर को चाहिए कि वह इस तरह के विनिंग माइंडसेट को अपने स्टूडेंट्स में कल्टीवेट करे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि इट्स नॉट दैट आई एम सो स्मार्ट, इट्स जस्ट दैट आई स्टे विद प्रॉब्लम्स लॉन्गर। मतलब आई एम नॉट स्मार्ट अनफ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम येट, बट इन फ्यूचर आई वुड डेफिनेटली सॉल्व इट। इसका मतलब यह है कि आइंस्टाइन अपने आप को नेचुरली टैलेंटेड या सुपर स्मार्ट नहीं समझते थे, लेकिन वो यह एक्सेप्ट करते थे कि वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगातार लगे रहते हैं जब तक उन्हें उसका सॉल्यूशन मिल नहीं जाता। अगेन नॉट येट वाला एटीट्यूड, यानी उनकी सक्सेस एंड ब्रिलियंस उनकी परसिस्टेंस और कमिटमेंट का रिजल्ट है, ना कि सिर्फ उनके इंटेलिजेंस का। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यही करते हैं, वो फेलियर या चैलेंजेस को एक एंड पॉइंट नहीं समझते। आइंस्टाइन ने भी यही अप्रोच अपने रिसर्च में अडॉप्ट की थी। तो फ्रेंड्स, अगली बार जब भी आपको लगे कि आप किसी चीज में फेल हो रहे हैं या कुछ कर नहीं पा रहे हैं, स्टक हो गए हैं, तो अपनी सेंटेंसेस में, अपनी कन्वर्सेशंस में येट ऐड करके देखिए। यह आपको एक रिमाइंडर होगा कि आप अभी भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, आपके गोल्स के बीच सिर्फ एक स्मॉल वर्ड का फर्क है और वो है येट। ट्राई करके देखिए और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। कीप विजिटिंग, कीप लर्निंग एट द गुड लाइफ। फिर मिलते हैं।